मेरा नाम डॉक्टर अमोल केड़कर है और मैं आज आपको चाइल्ड साइकेट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और जानकारी देने वाला हूँ। अपने को पहले से ऐसा लगता आ रहा है सभी लोगों को कि बच्चों को मानसिक बीमारियां नहीं होती, पर जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे पेरेंट्स मतलब पालक अवेयर होते गए, वैसे हमको ध्यान में आने लगा कि बच्चों को भी मानसिक बीमारियां होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसकी तरफ इग्नोर करते हैं, उसकी तरफ दुर्लक्ष करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रही है, स्पर्धा बढ़ रही है, वैसे वैसे बच्चों की मानसिक बीमारियां की जो लेवल है और जो सीरियसनेस है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारी साइकेट्रिक बीमारियां बच्चों में होती है, उदाहरणार्थ डिप्रेशन, जैसे उदास रहना, अकेले रहना, आत्महत्या के विचार आना, कोई चीज में मन नहीं लगना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ऐसे लक्षण हम देख सकते हैं। उसी के साथ 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 एंग्जाइटी भी बहुत सारे बच्चों को होती है, जैसे चिंता करना, जान घबराना, दिल नहीं लगना, एक जगह में बैठ नहीं पाना, ऐसे बीमारियां बच्चों को हो सकती है। उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसमें जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, मतलब वो बाकी सभी चीजों में होशियार होते हैं लेकिन जब वो पढ़ाई करने बैठते हैं तब उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों को ये देखना जरूरी है कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी है या ADHD है। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, पढ़ने में वो सक्षम नहीं रहते, और ADHD मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो लर्निंग डिसेबिलिटी अगर कोई व्यक्ति को है तो ये देखना जरूरी है कि वो बच्चा जो है उसको, वो होशियार तो होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो बात को समझ नहीं पाता, वो बात में, वो पेपर में बराबर लिख नहीं पाता, वो पढ़ नहीं पाता, और ऐसे बच्चों को पढ़ाई अक्सर बहुत डिफिकल्ट जाती है, कठिन जाती है। तो ऐसे बच्चों का अगर हमने डायग्नोसिस किया तो उनको परीक्षा में अलग अलग प्रकार के कंसेशन मिल सकते हैं। जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और वो हाइपर एक्टिव मतलब अति चंचल होते हैं, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, इधर उधर घूमते रहते हैं, हर चीज में अपनी बात उनको बतानी पड़ती है, ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चों को अगर डांट के प्यार से भी बताया तो भी ये बच्चे सुधरते नहीं। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स का काउंसिलिंग करना और उसी के साथ साथ उनको मिथिलफेनिडेट नाम का एक ड्रग है, मेडिसिन है, वो उनको देना, उसके वजह से उनकी जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है वो कंट्रोल में आ सकती है। बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटेलेक्चुअली बॉर्डरलाइन होते हैं, मतलब उनको उनकी जो बुद्धि है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती। ऐसे बच्चों को बहुत सारा मार मिलता है, पिटाई होती है, उनको फोर्स होता है, प्रेशर होता है, लेकिन ऐसे बच्चों पे प्रेशर डाल के या पिटाई करके उनको फायदा नहीं होता। ऐसे बच्चों में उनका IQ मतलब उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो निकालना बहुत ही जरूरी है, और उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि वो बच्चों की क्षमता कितनी है, और उस हिसाब से हम वो बच्चे की ट्रेनिंग देकर उसको हम पढ़ा लिखा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। बिहेवियर प्रॉब्लम मतलब माँ बाप की न सुनना, जिद करना, फेंकफाक करना, मारा पीटी करना, बहन भाई के साथ झगड़ा करना, रात भर घूमते रहना, या एडिक्शंस करना, नशा करना, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, किसी को भी पकड़ के मारना, ऐसे बहुत सारे एडिक्शंस और बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में होते हैं। इसी के साथ साथ हमको नॉक्चुरल एन्यूरोसिस मतलब बेड में नींद में पेशाब करना, ऐसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। इसमें भी बच्चों की काउंसिलिंग करना और साथ में दवाई देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड साइकेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की काउंसिलिंग करना, और उसके उससे भी इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स की काउंसिलिंग करना। होता क्या है कि पेरेंट्स की बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के कारण बच्चे डर जाते हैं और वो बराबर परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए पेरेंट्स की काउंसिलिंग करना, उनको हर चीज का महत्व बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम हमारे हॉस्पिटल में बच्चों के अलग अलग टेस्ट करते हैं, जैसे चाइल्ड एनालिसिस टेस्ट, IQ टेस्ट, इमोशनल क्वोशेंट टेस्ट, उसी के साथ में हम बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है और एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी ढूंढते हैं।
उससे हमको ये मालूम पड़ता है कि बच्चों की एक्चुअली स्किल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनको पसंद क्या है, और फिर उस हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देकर उनको एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर समरी जो है वो ये है कि चाइल्ड साइकेट्री आजकल बढ़ती हुई बीमारी है, और इसमें बच्चों के काउंसलिंग से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारी वेबसाइट है उसी के साथ में यूट्यूब में जाकर ये वीडियो को सब्सक्राइब करिए, साथ में फेसबुक में मेरे पेज को लाइक करिए, और मैं जल्दी ही अगली वीडियोस भी अपलोड करूंगा। थैंक यू।